Hi guys, welcome back to my channel. Who am I? My name is Priya और आज मैं आपके लिए एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ. मैं बहुत टाइम से ये वाला वीडियो करना चाहती थी. मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करना चाहती थी, तो मैंने सोचा आज कर लूँ. मैं आज रेवलॉन का मॉइस्चराइजिंग पाउडर कॉम्पैक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. बहुत ही मस्त पाउडर है, क्या बोलूँ इसके बारे में. मैं मेरे पास सी ये पहले वाला था, सबसे फर्स्ट टाइम वाला. ये अभी मैं कम से कम 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, मतलब रेवलॉन कॉम्पैक्ट पाउडर ये वाला नहीं. तो ये देखो इसकी हालत क्या हो गई है. ये ख़त्म होने के बाद मैंने ये किया, ये मंगाया, ये देखो हालत पूरा का पूरा ख़त्म किया है मैंने. ये देखो ऑलमोस्ट 6 मंथ ईजीली चलता है. उसके बाद फिर ये वाला मंगाया और अभी मैंने वापस एक नया कॉम्पैक्ट ऑर्डर किया है क्योंकि ये भी ख़त्म होने को आया है. इतना अच्छा टेक्सचर है, आप यूज़ करेंगे तो और कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं. एंड ट्रस्ट मी, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. मैं अपने खुद का आपके साथ मैंने जो उसको यूज़ किया है वो आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसमें मॉइस्चराइजिंग पाउडर है, ये टच एंड ग्लो है, सच में बहुत ही अच्छा है. ये लगा कि आप सिर्फ नॉर्मली आप ऑफिस में जाते हैं तब सिर्फ ये लगाएंगे, बस हो गया, आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. सी डिफरेंस. मैंने अभी फेस के ऊपर कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगाया है. मैं आपको दिखाती हूँ. कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक एंड लाइनर है बिकॉज ऑफ वीडियो. भी मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको. सी इसका टेक्सचर, समर हो विंटर हो कभी भी, ये आप मेरा फेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई है, मेरे स्किन के लिए तो ये बेस्ट है. मे बी ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा ही होगा, बट ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन के लिए ये बेस्ट है. तो या ये है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू. आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक बार ट्राई कर लो. ये देखो ये मेरा शेड है, ये है आइवोरी मैट टच एंड ग्लो मॉइस्चराइजिंग पाउडर. इसमें फेस पाउडर है. ये आप जनरली फाउंडेशन वगैरह लगाते हो तभी उसके बाद भी ये आप लगाएंगे, बस हो गया और कुछ की ज़रूरत नहीं है. तो ये है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू. आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.